हे hey फ्रेंड्स, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई ड्रीम देखा और उसे छोड़ दिया क्योंकि वो ड्रीम आपके बजट से बाहर था? आई एम श्योर ऐसा बहुत बार हुआ होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक गरीब फार्मर के घर पे पैदा हुआ लड़का अगर ये सोचे कि वो बड़ा होके इंजीनियरिंग करेगा, और वो भी ओनली IIT से करेगा और कोई कॉलेज से नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा उसके ड्रीम का? क्या वो पूरा होगा? क्या उसके फादर उसको ये ड्रीम पूरा करने में हेल्प करेंगे? 90% हमारे समाज में ऐसी प्रॉब्लम होती है, और गरीबी के रीज़न से हमें हमारे ड्रीम जो राइट होते हैं मगर फिर भी छोड़ने पड़ते हैं, और हम पूरी लाइफ उस ड्रीम को बस एक ड्रीम की तरह ही जीते हैं, कभी उसको पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि हम सबको पता है IIT में एडमिशन के लिए अच्छे परसेंटेज चाहिए, और अच्छे परसेंटेज के लिए एक अच्छा स्कूल और एक अच्छी लाइफस्टाइल और महंगे वाला कोचिंग क्लासेस चाहिए, राइट? ये सब चीज़ें गरीब माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऐसे ही इंडिया में करोड़ों बच्चों के ड्रीम्स अधूरे रह जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बिहार में ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ एक नौजवान ऐसे ही गरीब बच्चों को अपने ड्रीम्स पूरे करने में हेल्प कर रहा है। यस फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ सुपर 30 की। फ्रेंड्स, ये है आनंद जी, जो बिना पैसे लिए ऐसे ही गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों का IIT में जाने का ड्रीम पूरा करते हैं। इस प्रोग्राम में वो हर साल पूरे बिहार में से 30 ऐसे बच्चे सिलेक्ट करते हैं जो प्रतिभाशाली हो लेकिन गरीबी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आनंद जी बच्चों को स्टडी से लेकर खाना पीना और उनके रहने का पूरा खर्च खुद उठाते हैं। आनंद जी ने सुपर 30 पटना में 2002 में शुरू किया था। आनंद जी खुद मैथ्स पढ़ाते हैं, और उनके द्वारा शुरू किए इस प्रोग्राम से हर साल 28 से 30 बच्चे IIT में एडमिशन लेते हैं। हम सबको पता है कि IIT में एडमिशन लेना कितना कठिन है, फिर भी 100% रिजल्ट हर साल आना एक मिरेकल और चमत्कार से कम नहीं है। टाइम मैगजीन ने भी आनंद जी ने सुपर 30 क्लास को एशिया के बेस्ट स्कूल की लिस्ट में शामिल किया है। डिस्कवरी चैनल भी उन पर डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है। मगर ये सफ़र आसान नहीं था। आनंद जी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी की इनकम से घर तो किसी तरह से चल जाता था, लेकिन उन्हें अच्छी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। आनंद जी ने एक सरकारी स्कूल से अपना स्टार्टअप किया। उनको मैथ्स बहुत पसंद था, लेकिन उनका टैलेंट गरीबी के तले दबा जा रहा था, और पिताजी के देहांत के बाद उनकी माँ पापड़ बनाती थी और वो बेचते थे। आनंद जी कहते हैं कि कई बार पापड़ न बिकने के कारण उनके पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद आनंद जी चाहते तो कोई भी नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना ड्रीम्स फॉलो किया और वो मैथ्स टीचर बने। वो दिन में पापड़ बेच रहे थे और बाकी समय मैथ्स पे ध्यान देते थे। उनके रास्तों में हजार प्रॉब्लम्स थी, मगर उन प्रॉब्लम्स के लड़कर उनका बिलीफ ऐसा बन गया था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। उन्होंने मेहनत की और 1994 में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, मगर गरीबी के कारण वो खुद वहां जाने का खर्च नहीं उठा पा सकते थे। समाज से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। बचपन से गरीबी का दर्द झेल रहे आनंद जी ने मन में तय किया कि उन्हें जो मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है वो किसी और को नहीं करने देंगे। वो ऐसे बच्चों का सहारा बनना चाहते थे जिनको सच में सहारे की ज़रूरत है, मगर किसी और का सहारा बनने से पहले उन्हें खुद का इतना स्ट्रांग बनाना था कि किसी और से उन्हें कुछ मांगना ना पड़े। किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उन्हें खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। आनंद जी ने अपना बिलीफ और भी स्ट्रांग बनाया और अपनी सारी पुरानी यादों को साथ लेकर एक मैथ्स की कोचिंग क्लास शुरू की। उनकी मैथ्स पे इतनी अच्छी पकड़ थी कि कुछ ही समय में उनका नाम सभी जगह जगह सुनाई देने लगा। स्टूडेंट दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते 500 हो गए। तभी बिहार शरीफ का एक स्टूडेंट उनके पास आया और उनसे कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, जब उनके पिताजी आलू की फसल बेचेंगे तब वो पैसे देगा। उस बच्चे की इस बात को आनंद जी ने अपना पूरा गुजरा हुआ कल याद दिला दिया। उन्होंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और उसी पल सुपर 30 का प्रोग्राम मनाया। आनंद जी और उनकी टीम सुपर 30 के लिए कोई भी डोनेशन नहीं लेते, बल्कि वो अपने नॉर्मल ट्यूशन से होने वाली कमाई से 30 बच्चों की मदद करते हैं।
आनंद जी का मानना है कि जिंदगी बस एक बार मिलती है और उस एक जिंदगी में अपने सपनों को पूरा नहीं किया तो फिर क्या किया। अगर घर से सपने पूरे करने का फितूर लेके निकले हो तो फिर हजार मुश्किलियाँ भी डरा नहीं सकती, और मुश्किलों से डर कर खाली हाथ वापस घर लौटने का तो सवाल ही नहीं आता। आनंद जी कहते हैं कि अगर आपके सपने आपके कंफर्ट जोन से ज़्यादा प्यारे हैं तो आपको आपके वो सपने ज़रूर पूरे होंगे, और जब आपके सपने पूरे हो जाए तो उसे ऐसे लोगों के साथ शेयर करने का मत भूलिएगा जिसे आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, एक अच्छा सा घर खरीदो और फैमिली के साथ आराम से रहो, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप अपने ड्रीम्स पूरे कर लेंगे तो उसे शेयर ज़रूर करना और ऐसे लोगों की हेल्प करना जिनको रियल में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और हेल्प करने का मतलब यानी पैसा देना नहीं होता। कोई मुसीबत में पड़े आदमी को बस ये कहना कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको ये महसूस करवाना कि वो अकेला नहीं है, ये भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। अगर आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से किसी को आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाते हो, वो भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। फ्रेंड्स, अगर हम जैसे यंगस्टर्स अपनी 100% मेहनत में से 1% मेहनत अपने लोगों की मदद करने में यूज़ करें तो वो अगले 5-10 सालों में इंडिया का नक्शा बदल देगा। मैंने अपना 1% लेने के लिए फर्स्ट स्टेप ले लिया है, अब आपकी बारी है फ्रेंड्स।